ईथन, तुम्हारा ये मिशन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जंग होने वाली है। वो तुम्हारी कहानी जानता है और उसका अंत भी। नमस्कार, टॉम क्रूज की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन दोस्तों वर्ल्ड वाइड सहित इंडिया बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कमाई कर रही है। 12th ऑफ जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 सिल्वर स्क्रीन पर कलेक्शंस करने के मामले में जबरदस्त कमाई कर रही है। लोगों को फिल्म में फिल्माए गए टॉम क्रूज के एक्शन सीन्स और स्टंट काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर D7 कलेक्शंस पूरे हो चुके हैं। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस D7 के अंदर भी बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D7 की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D7 के अंदर इंडिया बॉक्स ऑफिस से 4.50 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल D7 तक टॉम क्रूज की फिल्म का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 73 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। वहीं फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से $234 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। जहां फिल्म का 78.5 मिलियन USA से है तो वहीं फिल्म का $154.5 मिलियन ओवरसीज मार्केट से है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म मिशन इम्पॉसिबल को ओवरऑल $291 मिलियन के बजट में तैयार किया गया है। यानी इंडियन करेंसी में बात कर ले तो फिल्म को टोटल 2400 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म में टॉम क्रूज और उनकी IMF टीम अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। फिल्म में टॉम क्रूज के अलावा रेविका फर्गुसन, सिमन पेग, हाइली एटवेल, वनेसा किर्बी और भी अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। दोस्तों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 को अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप टॉम क्रूज की बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल की कॉमेडी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म महावीरन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D5 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे शिवा कार्तिकेयन एंड अदिति शंकर स्टारर सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म महावीरन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D5 की तो फिल्म महावीरन का बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई जारी है। फिल्म कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म महावीरन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D5 की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D5 के अंदर 5 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई की। इसी के साथ फिल्म महावीरन का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 55.29 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से टोटल 33 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 85 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म महावीरन महज 5 दिनों के अंदर ही टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 55 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों फिल्म महावीरन की कमाई जिस तरीके से हो रही है, फिल्म बहुत जल्द अपने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिल्म महावीरन दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप तमिल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आनंद देवरकोंडा एंड वैष्णवी चैतन्य स्टारर तेलुगु की फिल्म बेबी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D5 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म बेबी तेलुगु की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। फिल्म कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म बेबी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D5 के अंदर भी बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए हैं। फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D5 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 6.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म बेबी का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 32.10 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से टोटल 27.45 करोड़ की ग्रॉस कमाई करी है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को ओनली 14 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। और दोस्तों फिल्म अपने बजट के मुकाबले वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हुई है। फिल्म बेबी दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D20 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म सत्य प्रेम की कथा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D20 की तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D20 के अंदर 0.75 करोड़ की टोटल नेट कमाई हुई है। इसी के साथ फिल्म सत्य प्रेम की कथा का अभी तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 78.81 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को 75 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। 65 करोड़ प्रोडक्शन कॉस्ट है।
तो वहीं 10 करोड़ प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग पर खर्चे हुए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म सत्य प्रेम की कथा को टॉम क्रूज की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 से जबरदस्त टक्कर मिल रही है, जिसके चलते फिल्म सत्य प्रेम की कथा का कलेक्शन में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। फिल्म सत्य प्रेम की कथा दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म का मजा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेखा जो हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़ो सकते हैं।